अब हम अंक और शब्द दोनों में देखेंगे। तो हमने ये देखो, मैंने पहले ऐसे एक लाइन बनाई है छोटी, फिर ये बड़ी वाली लाइन, वापस छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन। तो अब हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पे मैं छोटी लाइन में अंक में लिखूंगी और बड़ी लाइन में शब्द में। देखो ये मैंने नीचे, ये नीचे वाली लाइन को टच करके लिखा है और ये शब्द में लिख रही वो ऊपर की लाइन को टच करके लिख रही हूँ। एक एक, उसके बाद दो दो, तीन, जो शब्द में लिख रही हूँ वो ऊपर वाले लाइन को टच करके, और जो अंक में लिख रही हूँ वो नीचे वाली लाइन को टच करके। देखो एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख रही हूँ मैं, तीन, उसके बाद चार चार, उसके बाद पांच पांच, पांच के बाद छे, छे कैसे लिखूंगी, देखो मैं ये छ लिख के पास में मैं अह की मात्रा लगाऊंगी, इसको हम छे बोलते हैं, छे। अब सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ और दस, एक शून्य दस। ये हमने एक से दस तक अंक और शब्द में देखा। अब हम ग्यारह से बीस तक देखेंगे। देखो ये छोटी, वापस छोटी लाइन में मैं अंक में लिखूंगी, एक एक ग्यारह, ग आधा करके लिखूंगी, ग्यारह ग्यारह, एक दो बारह, एक तीन तेरह, एक चार चौदह, चौदह एक और पांच पंद्रह। पंद्रह कैसे लिख रही हूँ मैं, देखो प ऊपर में बिंदु अम की मात्रा, द के नीचे ये र पदन की मात्रा, पंद्रह, एक छः सोलह, एक छः सोलह, एक सात सत्रह, एक आठ अठारह, एक आठ अठारह, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये अठारह लिखा है ना, तो अब दूसरी तरफ से भी लिख, इससे ऐसे भी हम लिख सकते हैं अठारह, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों सही है। एक नौ उन्नीस देखो, न आधा और दूसरा न पूरा, उन्नीस दो शून्य बीस, दो शून्य बीस। ये हमने एक से बीस तक की गिनती शब्द में देखी।
अंक शब्द में और आगे हमने 150 तक अंक में देखा। तो आपको ये वीडियो ठीक से देखना है और ये लिखना और बोलना कैसे इसको हम बोलेंगे हिंदी में ये भी सीखना है। थैंक यू।